तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हैविक ओएस को इंस्टॉल करना दिखाऊंगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन से फाइल चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करो, पूरी वीडियो को देखो ताकि आपको रोम इंस्टॉल में कोई इशू वगैरह ना आए और इसका जो स्टेप वगैरह है आप ठीक से फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस रोम का वर्जन वगैरह दिखा देता हूँ सेटिंग में जाके। तो आप देख सकते हो इसका एंड्रॉयड वर्जन 10 है, हैविक वर्जन 3.12 और इसको आप इसमें आपको प्रीफ माइनस का कैनल देखने को मिल जाता है, जो एक बैटरी बैकअप और रैम मैनेजमेंट को लेके एक अच्छा सा कैनल है ये वाला, इसलिए सब नॉर्मल रूमों पे इस तरह का कैनल यूज़ होता है। तो हैविक ओएस में आपको ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। देखो नॉर्मल सा सेटिंग है जैसा होता है पिक्सल के रूमों पे, और इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में जहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी कस्टमाइजेशन है आपको इसमें इस ऑप्शन में मिल जाएगा। और इसमें दिखाने लायक कुछ भी है भी कुछ है भी नहीं, और मैंने इस रोम पे गेम वगैरह भी खेला है, आप चाहे तो देख सकते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने खेला था उसका गेम प्ले आप देख सकते हो जाके, और पबजी भी ठीक ठाक चला लेता है, उतना भी अच्छा नहीं चलाता, फेंड अप होता है लेकिन ठीक ठाक सा चला लेता है। और इसमें आपको एक जीकेम देखने को मिल जाएगा इनबिल्ट वाला, जो आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो वाला जीकेम। ज़्यादातर पिक्सल रूमों पे ए वाला जीकेम ही होता है नॉर्मल सा, इसका कुछ खास नहीं है। आप चाहे तो दूसरा कोई जीकेम एनएफएक्स कैमरा एएनएक्स कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी उसका नाम बड़ा भूल जाता हूँ बार बार। तो अभी मैं आपको इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाता हूँ, आप कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका जो डिवाइस का सारा सिक्योरिटी लॉक है वो सब आपको रिमूव कर देना है, वरना आपका इंक्रिप्शन वाला इशू आ सकता है। तो चलिए मैं आपको अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके रिकवरी में जाना है, उसके लिए पावर ऑफ कर दो। सबसे पहले पावर ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम प्लस और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते रहना है जब तक आपका रिकवरी मोड ऑन नहीं हो जाता। तो मेरा डिवाइस बूट हो चुका है, अभी वेट करते हैं रिकवरी मोड ऑन होने के लिए। तो रिकवरी ऑन हो जाने के बाद आपको सिंपली आपको वाइप में जाना है। वाइप में जाने के बाद आपको डॉल्बी कैच सिस्टम सॉरी थोड़ा उधर इधर उधर सारा टाइप हो गया, तो फिर से टाइप कर लेता हूँ मैं। आप सिर्फ आप फॉलो कर लेना सारे जो मैंने टाइप किया है, पूरा कस्ट मेटा डाटा देख लो आप ठीक से। इन सभी पार्टीशन को आपको स्वाइप टू वाइप कर देना है, देख लो ठीक से, उसके बाद आपको स्वाइप कर देना है। तो पार्टीशन वाइप हो जाने के बाद आपको जाना है, आपका लोकेट करना है आपने कहाँ पर फाइल रखा है आपका जो रोम वगैरह है। तो उसमें आपको जाना है, आपको वॉलेट का फॉर्मवेयर चाहिए, लेटेस्ट चीना वीकली फॉर्मवेयर चाहिए, आपको एक जी एप्स चाहिए। आप मैंने जो जी एप्स दे रहा हूँ फ्रेम जी एप्स, आपको ए वाला इंस्टॉल करना है क्योंकि इसके साथ ये रिकमेंडेड है। तो उसके बाद आपको हैविक ओएस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मवेयर को फ्लश कर देना है। फॉर्मवेयर फ्लश होने के बाद आपको वाइप कैच करना है। अब जाके आप रोम फाइल को फ्लैश कर दो। तो जैसे जैसे मैं एक एक करके फ्लैश करूँ आपको सेम वैसे ही फ्लैश करना है, किसी भी चीज़ को आगे पीछे फ्लैश मत करना, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें मैं फ्लैश कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करना। और इसको अगर आप डार्टी फ्लैश करना चाहते हो, मतलब डार्टी फ्लैश का मतलब बिना डाटा फॉर्मेट के, तो आपको हैविक ओएस की किसी पुराने वर्जन में रहना होगा, तो ही आप इसको डार्टी फ्लैश कर सकते हो। अगर आप किसी और रोम से इस रोम पे आ रहे हो तो आपको क्लीन फ्लैश करना ज़रूरी है, वरना आपका बूट लूप वगैरह या अगर आपका फ़ोन फिर ऑन हो भी जाए तो आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को मिल सकता है। तो मेरी बात मानो तो आप क्लीन फ्लैश ही करो। तो अभी वेट करते हैं इसको फ्लैश होने तक। तो मेरा फ्लैश कंप्लीट होने वाला है अभी।
हो जाने के बाद आपको वाइप कैच कर देना है, आपको फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको जी एप्स को फ्लैश कर देना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, सब कुछ लिंक सब कुछ का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, बाहर से डाउनलोड कर लेना। तो इसको फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बात, आपके डिवाइस पे 50+ चार्ज होना चाहिए, मेरा 39 है। तो मेरा कोई इशू आ गया तो मैं खुद से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत झंझट हो सकता है। तो आप 50+ चार्ज रह के ही ये सब फ्लैश करिएगा। तो ऐसे हो जाने के बाद आपको वाइप कैच कर देना है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर आप हैवी को इसके किसी पुराने बिल्ड में हो तो भी आप डाटी फ्लैश करो, वरना आपको क्लीन फ्लैश करना होगा। तो वरना आपका कोई इशू वगैरह आता है तो आपको वापस डाटा फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। तो उतना झंझट क्यों, पहले पहले से ही सब कुछ रेडी कर लो। तो मैं क्लीन फ्लैश करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी और रोम से इस रोम पे आ रहा हूँ। तो उसके लिए आपको जाना होगा मैनेज पार्टीशन में जाना होगा, मतलब मेनू पे जाओ। मेनू पे जाने के बाद आपको जाना होगा मैनेज पार्टीशन पे, फिर डाटा पे जाना होगा। डाटा पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है यस, यस लिखे राइट मार्क के क्लिक कर देना है, आपका डाटा फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। तो डाटा कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाने के बाद आपको रिबूट सिस्टम कर देना है। तो इस तरह से आप अगर रोम इंस्टॉल करोगे तो आपका कोई इशू वगैरह नहीं आएगा, बूट लूप कोई इशू ये सब नहीं आएगा। तो अब अभी हम हमारे डिवाइस को बूट होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो डिवाइस ऑन हो चुका है। तो अभी मैं इस सेटअप को क्विकली सेटअप कर लेता हूँ, मैं कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं करूँगा, सिंपली सेटअप करके अब दिखा दूँगा इसमें आपको कौन से ऐप देखने को मिल जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे। तो मेरा सेटअप वगैरह हो चुका है, अभी आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरह के ऐप देखने को देख देख सकते हो आप। सिर्फ इतना सा ही ऐप देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आप एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और आपको जी एप्स को फ्लैश कर लेना, क्योंकि इसमें ये वाला जो है वेनेरा बिल्ड है। तो मैंने जो जी एप्स के बारे में बताया आपको, वो जी एप्स आपको जरूर से फ्लैश कर लेना। देख सकते हो सीधा सा, मतलब सिंपल सा एक रूम है। और ऊपर एक चीज़ है देखो, एंड्रॉयड सेटअप, इसको आपको वाईफाई से सेटअप कर लेना है, वरना आपका ए वाला जो आइकॉन है वो नहीं हटेगा। आपको वाईफाई से ही सेटअप करना होगा इसको, और जितना फास्ट वाईफाई होगा स्पीड, उतना जल्दी वो कंप्लीट होगा। और एक और चीज़ मैंने आपको चीज़ दिखाना भूल गया, इसमें आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो इसमें डेवलपर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो पहले बताना भूल गया था मैं। और भी कुछ चीज़ें मिस कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें दिखाने लायक कुछ है भी नहीं। अगर आप कोई कस्टम रूम वगैरह यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कहाँ पर क्या होता है। तो आज के लिए इतने ही, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मैं ऑक्सीजन ओएस को लेकर एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो पबजी के लिए दिख रहा हूँ मैं एक ऑक्सीजन ओएस। तो उस वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरा वीडियो थोड़ा लेट लेट आएगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें खरीदने वाला हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि मेरा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ मेरा वीडियो की क्वालिटी ठीक करने के लिए। तो थोड़ा बहुत वेट कर लेना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।